सबसे पहले तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो को यदि आपने फुल वॉच कर लिया तो आपका 2000 से लेकर 3000 रुपए का यहां पर फ़ायदा होने वाला है। देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसे यदि आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया तो आपकी मोबाइल की मेमोरी को वह एप्लीकेशन 50 GB तक बढ़ा देगा। यानी कि आपके मोबाइल की मेमोरी यदि 4 GB या 8 GB है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको इस एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन लेनी है और इसे डाउनलोड कर लेना है। उपयोग इसे कैसे करना है, इसका यूज़ कैसे करना है, मैं इसमें बता देता हूँ। तो चलिए इसके लिए चलना होगा आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और इस वीडियो को देख ही लेते। देखिए तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको जियो क्लाउड एप्लीकेशन को यहाँ पर सर्च करना है और इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि जियो क्लाउड का जो अकाउंट है उसे कैसे क्रिएट करना है, यानी कि खाता इसका जो है इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है और यहाँ पर एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है, तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है। चलिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे अकाउंट बनाना है। सबसे पहले जो भी आपका मोबाइल नंबर है इसे आपको लिख देना है और यहाँ पर मोबाइल लिख देने के बाद OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है और इसके बाद हमारा जो OTP है वह आ जाएगा, तो हमें इसे वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ, मैं जो भी कोड आया है यहाँ पर उसे एंटर कर देता हूँ। इस तरह से आपको लिख देना है और इसे वेरीफाई कर देना है, यानी कि लॉगिन कर देना है। इसके बाद ये ईमेल आईडी यहाँ पर देखिए हमें ये कोड अभी नहीं डालना है, तो चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इसे छोड़ देना है, इसे हम बाद में पूरा करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करते जाना है, इसे सारी चीज़ों को अलाउ करना है, कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर हमें जो भी अपनी ईमेल आईडी है उसे यहाँ पर एंटर करना है और देखिए OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही OTP पर क्लिक करेंगे हमारे ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा और वहाँ पर एक कोड लिखा होगा, तो यहाँ पर हमें कोड एंटर करना है। तो हमारी जो ईमेल आईडी है वह इस तरह से वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कैसे इसे रेफर करना है। यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेफर एंड अर्न पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिल जाता है कोड प्रविष्ट करें, तो यहाँ पर हमें कोड प्रविष्ट करने पर क्लिक करना है। इस तरह से चलिए मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए दूसरे मोबाइल में जो कोड है जियो क्लाउड का उसे किसी भी मोबाइल का यहाँ पर एंटर करेंगे। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में है तो मेरा भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दूसरे मोबाइल का इस तरह से आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको 10 GB यहाँ पर मेमोरी फ्री मिल जाती है, यानी कि हम इसे 50 GB से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह देखिए मैंने यहाँ पर अपना कोड यूज़ किया है तो मुझे भी 10 GB मिलेगी और इस मोबाइल में किया है तो इसे भी इस मोबाइल के अंदर भी 10 GB मिलेगी, इसे हम 50 GB से ज़्यादा इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर 65 GB यानी कि 65 GB यहाँ पर मुझे मेमोरी मिल चुकी है। इस यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपको पासवर्ड यहाँ पर कैसे सेव करना है। सेटिंग पर जाना है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें इसमें जो भी हम फोटोज़ वीडियो रखेंगे तो हमें उसे सुरक्षित रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें एक कोड बनाना होगा, तो देखिए मैं यहाँ पर अपना जो भी पासवर्ड है उसे बना लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर दोनों जगह पर जो भी हम पासवर्ड रखना चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से पासवर्ड को बना लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड को बना लेता हूँ। इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है, सबमिट पर क्लिक करना है तो हमारे नंबर पर एक OTP आएगा, तो हमें OTP आएगा तो इस तरह से आ जाएगा, तो हमें इसे भी वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर वेरीफाई कर लेता हूँ।
इस तरह से आपको यहाँ पर जो कोड आएगा उसे वेरीफाई कर लेना है, तो हमारा जो पासवर्ड है वह यहाँ पर सेव हो जाता है। तो ये जब भी हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें पासवर्ड को एंटर करना होगा, तो हमारा अकाउंट भी बिल्कुल पूरी तरह से एप्लीकेशन सुरक्षित हो जाता है। तो चलिए इसके बाद आप मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक घंटी का आइकन होता है, उस पर हमें क्लिक करना है और जितनी भी मेमोरी यहाँ से रेफर करके हम बढ़ाते हैं, घंटी का जो आइकन है इस पर हमें दिख जाएगी। तो देखिए मेरी यहाँ पर मेरी जो एप्लीकेशन है ये, इस पर मेरी 65 GB मेमोरी मुझे मिल चुकी है और यहाँ पर देखिए 2.1 GB यहाँ पर अभी जो मेरी मेमोरी है वह भरी हुई है और यहाँ पर 5 GB तो हमें मिल ही जाती है और यहाँ पर 60 GB मुझे प्रमोशन से मिली है, यानी कि मैंने इतना रेफ़र किया है तो मुझे मिली है। इस तरह से आपको भी रेफ़र करना है और अपनी मेमोरी को बढ़ाते जाना है। देखिए हमें यहाँ पर 2 से लेकर 3 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है मेमोरी में, क्योंकि हमारे मोबाइल की यदि मेमोरी कम है तो हम आसानी से ही बढ़ा सकते हैं। देखिए अब मैं बताऊँगा कि आपको यहाँ पर कैसे यहाँ पर सब कुछ प्रोफाइल जो भी है यहाँ पर चेक करना है। देखिए इस तरह से आपको खोलना है और यहाँ पर अपनी जो भी प्रोफाइल है उसे यहाँ से चेक हम कर सकते हैं। देखिए आपको फ़ोटो या वीडियोस कैसे अपलोड करना है यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे लिए माय फाइल का एक ऑप्शन है राइट साइड में, तो यहाँ पर हमारे लिए माय फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से प्लस का जो आइकन है इस पर हमारे लिए क्लिक करना है। तो प्लस का आइकन पर हमें क्लिक करना है और हमें यहाँ से कोई वीडियोस, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट जो भी हम यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आसानी से ही अपलोड करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक फ़ोटो को अपलोड करता हूँ, तो हमें यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करना है। गैलरी पर क्लिक कर देने के बाद हमें फ़ोटो कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो एक फ़ोटो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से हमें यहाँ पर फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेनी है। देखिए फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें अपलोड कर देना है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पर अपलोड हो जाती है। इस तरह से यह अपलोड हो जाती है आप देख सकते हैं, और एप्लीकेशन में जो भी फ़ोटो होंगी उन्हें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यदि किसी भी कारण से आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो आप इसे दूसरे मोबाइल में भी मोबाइल नंबर के थ्रू उसे लॉग इन कर सकते हैं। इसमें हमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि यदि हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है तो हम दूसरे मोबाइल में अपने फ़ोटो को लॉगिन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद हमें ज्यों के त्यों बिल्कुल फ़ोटो हमें मिल जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल है उसे दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर।